सामने खड़ी है, ऐसा लग रहा है देखता ही जाऊं, नजर ही ना हटाऊं ना। ये बहुत क्रेजी लग रही है, बट एक्सपोज करूंगा तुम्हें सबको आज मैं। बाप रे बाप, एंड चेक दिस आउट गाइस। ऑल राइट लवली पीपल, जो बड़े हैं उनको सत श्री अकाल नमस्ते, और जो छोटे हैं उनको कैसे छोटो। तो आज भी करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, आज की हमारी पहली अपडेट निकल के आ रही है हमारे लेजेंड जेट प्रज्योत पाजी की तरफ से, जिन्होंने अपनी डिफेंडर के पीछे रैक लगवा दिया था बाइक हैंग करने वाला, और आज उन्होंने अपनी RX 100 मॉडिफाई करा के उसको हैंग भी कर लिया। तो आइए देखते हैं उनकी क्लिप। तो देखो भाई, बाइक का रैक तो हमने लगा लिया, आज हम करने वाले इसका उद्घाटन पहली अपनी बाइक चढ़ाकर। और वो बाइक आप देख लोगे ना, आप बोलोगे भाई, मतलब सामने खड़ी है, ऐसा लग रहा है देखता ही जाऊं, नजर ही ना हटाऊं। दिखा दे क्या? चलो आप फिर दिखा देते हैं। इसके लिए ना अपने को स्टैंड भी नीचे नहीं उतारना पड़ेगा, इतनी हल्की बाइक है, उठा के चढ़ा देंगे। लो भाई, फाइनली हमारी बाइक सेट हो गई है, और कितनी शानदार लग रही है, कितनी शानदार। अभी गाड़ी यहाँ से हटानी पड़ेगी, एक्चुअली ना सारे बाइक देखते हुए जा रहे हैं, आगे देखोगे बिल्कुल भी जाम नहीं है, और यहाँ देखोगे ना पीछे, तो गाड़ी यहाँ से हटाते हैं, कहीं हमारे चक्कर में तगड़ा जाम ना लग जाए। तो आज की सेकंड अपडेट आ रही है हमारी सौरभ जोशी व्लॉग्स की तरफ से, जो कि अपने पोर्शे लेके गए थे घूमने के लिए अपने भाइयों के साथ में, वो भी मार्केट में गए थे, और उनकी चलती पोर्शे के पीछे एक आदमी लटक गया, और लटक के खुद ही उतर गया वहाँ पे, और वो खुद हैरान हो गए कि हुआ क्या। आइए देखते हैं वो भी क्लिप। कंफर्टेबल लग रहा है? आज की हमारी अगली अपडेट आ रही है UK 07 राइडर बाबू भैया की तरफ से, जिन्होंने अपनी सुपरा दी थी मॉड कराने के लिए, रैप कराने के लिए, उनकी सुपरा रैप हो चुकी है ऑरेंज कलर में, बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो आइए देखते हैं उनकी क्लिप। Boys, check this out. ये रही हमारी सुपरा, जिसे हम लोगों ने फुल मॉडिफाई करा दिया है। अभी ना ये बहुत क्रेजी लग रही है, बट मैं आपको बता रहा था ना, आईफोन अभी कलर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, बिकॉज अभी जो आईफोन के कलर है ना, वो दो टोन अप पकड़ रहा है आईफोन नॉर्मली। लाइक मैं नॉर्मल आपको से बता रहा हूँ, तो ये सिंपल मैंने बताया, जो हमारा भगवा कलर है ना, इट इज लुकिंग लाइक द सेम, आईफोन दो टोन कलर ऊपर पकड़ रहा है, बट रियल लाइफ जब आप देखोगे ना, तो बहुत क्रेजी लग रही है। एंड आई नो जिन लोगों ने Fast and Furious देखे गाइस, दे नो पॉल वॉकर के पास ये वाली थीम में थी, दैट वाज अ MK4, बट वी हैव द MK5, मोर ब्यूटीफुल, मोर सुंदर बड़े मुझसे, बट साउंड में MK4 को मैच कर पाना इस नेक्स्ट टाइम पॉसिबल। दोस्तों, हमारी अगली अपडेट आ रही है एल्विश यादव की तरफ से, जो कि बिग बॉस OTT2 जीत के आ चुके हैं, और आने के बाद में उन्होंने कई अपने कंटेस्टेंट्स के साथ प्रैंक कर चुके हैं, और आज उन्होंने मनीषा रानी के साथ बात की वीडियो कॉल में, और कुछ टोनी कक्कर का जिक्र हुआ, बहुत ही मजाकिया अंदाज में बात की उन्होंने। तो आइए देखते हैं उनकी वीडियो क्लिप। तेरा कुछ चल तो नहीं रहा, आपको लगता है ये आपको छोड़े किसी और लग रहा है, जब आप उठा के देखेंगे। यार मुझे लग रहा है तेरा कुछ चल रहा है, टोनी कक्कड़ के साथ यार। नहीं बाबू, आपको छोड़ के किसी और तरफ देख लेते साला, ऐसे एक्सपोज करूंगा तुम्हें सबको आज मैं। और किस किस को करोगे? यहाँ से पोस्ट कर लेना, वहाँ से पोस्ट कर दिया, ऑडियंस हम लोगों को कितना पसंद कर रहा है, देख रहे बाहर कितना कमेंट आता है कि अरे एल्विशा 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 एल्विशा, ये क्या है एल्विशा का मतलब बता दो जी। अच्छा, वो एल्विश प्लस मनीषा। भाई मैं वेब सीरीज कर रहा हूँ, फिर प्लान लिख रहा हूँ मैं, ठीक है उसको। तो दोस्तों, हमारी अगली अपडेट आ रही है आमिर माजिद की तरफ से, जो कि अपनी DC अवंती लेके लद्दाख गए हुए थे, और उन्होंने जो कहा था वो उन्होंने करके दिखा दिया। वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल पीक के ऊपर वो चले गए, 18,000 फीट पे अपनी अवंती लेके चले गए। तो आइए देखते हैं उनकी वो भी क्लिप। बाप रे बाप, एंड चेक दिस आउट गाइस, चेक करो। सो यहां पे रहा हाईएस्ट मोटरेबल पीक। कैसा भाई? यू गॉट अवंती हियर। यस, अभी ऑक्सीजन प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो गया, यहाँ पे देख पा रहे हो एल्टीट्यूड 18,000 फीट गाइस, एंड यहाँ पे 18,000 फीट पे हमारे पास है DC अवंती, सिर्फ हमारी नंबर प्लेट एक मरतबा नीचे लगी है, बस रिकॉर्ड सेट हो गया, फर्स्ट इंडियन कार, तो यहाँ पे पहुंचिए गाइस, ये चेक करें ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा। तो यहाँ तक थोड़ा सफर बहुत खतरनाक था, गाड़ी नीचे लगी भी एक दो बार, हल्का था, तुम देख पा रहे हो स्क्रैच वगैरह भी आया, टूटी है थोड़ी सी, बट फाइनली यहाँ पे हम पहुंच गए, एंड हियर इज अवर तिरंगा, सो आज इंडियन ब्रांड की गाड़ी यहाँ पे हमारे साथ खड़ी है भाई।
तो दोस्तों आज की हमारी लास्ट अपडेट आ रही है द यूके 07 राइडर बाबू भैया की तरफ से, जो कि अपनी सुप्रा को रैप कराने ले गए थे और आज उनका रैप का काम कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन वहां पे इतने सब्सक्राइबर आ गए थे कि वहां पे पुलिस को आना पड़ गया और पुलिस ने उनको वहां से निकाला और लेके सेफ जगह पे छोड़ा। तो आइए देखते हैं वो भी क्लिप। निकल रहेगा इस फटाफट, हम लोग यहाँ से मैडम लोग सेफली जा रहे हैं। भाई साहब बच गए। ओके बॉयज, हम लोग फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से। एंड द थिंग इज, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सीधा सीधा सेफ हाउस पे। हम लोगों ने अपनी हाइलेक्स और सुप्रा यहीं पर छोड़ करके जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है गाइस। चेक दिस आउट, कितनी भीड़ हो रही है भाई साहब। स्पेशल थैंक्स टू पुलिस गाइस, निकल गए नहीं तो फिर यहाँ पर भीड़ कंट्रोल नहीं होती। हाइलेक्स भी। तो दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबा दें और शेयर तो जरूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन ओके, बाय बाय, थैंक यू।